Xiaomi का नया फ्लैगशिप 12 Pro Ultimate Edition और नीचे लिखा है ट्रिपल 50 मेगापिक्सल प्रो ग्रेड कैमरा। हम भी प्रो, ये भी प्रो, दोनों ब्रो ब्रो। ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा है और तीनों इतने बड़े बड़े सेंसर एक स्मार्टफोन में डालना काफी बड़ी बात है भाई। एक्साइटमेंट, दिस इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। डब्बा साइड से फ्लैगशिप नहीं लग रहा भाई, मोटा हो गया ना, चार्जर सब मिल रहा भाई। इस पे लिखा हुआ डिजाइन बाय Xiaomi, प्लेन कागज है। ओह भाई ये क्या है, साथ में च्युइंगम दे रखी है ऐसा लग रहा। अच्छा, USB-C कन्वर्टर, कुछ पुस्तक है, ठीक है। ओह ये क्या लिखा, सब्सक्राइब टू टेक बर्नर, सही लिखा। एक काफी स्टैंडर्ड सा कवर दे रखा, कवर थोड़ा फ्लैगशिप होता तो और में जाता। ओ भाई सेंचुरी, अब समझ में आ गया भाई मोटा क्यों था डब्बा। भाई ये देखो, इस चार्जर को रखने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए यार, 120 वॉट का चार्जर। चार्जिंग वार्जिंग भी हो रही है फुर्ती से, 18 मिनट में फुल चार्ज। भाई स्मार्टफोन खोल के देखते हैं, असली मजा उसी में। ओ भाई ये है Xiaomi का नया 12 Pro। सही बताऊं, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर आइस हॉकी खेल सकते हैं, ऐसा स्मूथ सा है ना। मेमोरी कार्ड स्लाइड करके दिखाता हूँ, कुछ ज्यादा ही स्लाइड हो गया यार। है कुछ यार इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिकना चिकना, थोड़ा सा स्मूथ है, पर एक टेक्सचर भी हल्का था। जैसे Xiaomi लिख रहा है ना, इस पे जो रोशनी पड़ रही है उसके से अंदर की तरफ परछाई भी आ रही है, काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। और जो कलर है ना भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा भाई, कंपनियां ना मैच करा रही है। मैं जिस कलर की लाइटें लगा रहा हूँ कंपनियां भी भाई वही सेम टू सेम, हमारे रंगों का गलत इस्तेमाल हो रहा है भाई। मजाक के बाद साइड में, बहुत ही क्यूट सा कलर है यार, बहुत सॉफ्ट सा प्यारा सा, बेबी ब्लू बोलेंगे, जस्ट लाइक माई बेब्स। सबसे पहली चीज डिजाइन के बाद जो मैंने नोटिस करी वो कि कैमरे का सेंसर जो मेन वाला है ये तो बहुत ही बड़ा है, उसके साथ से छोटे छोटे वाले भी जो इनके अंदर कैमरे काफी बड़े बड़े हैं यार। Xiaomi ने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स एक दिन में सेल करने का रिकॉर्ड भी बना रखा है, 2.1 मिलियन स्मार्टफोन्स एक दिन में। और ऐसा इसलिए कि Xiaomi काफी वैल्यू सेंट्रिक, काफी सस्ते में काफी तकड़े तकड़े फोन्स बेचता है, बट ये वाला Xiaomi के लिए काफी महंगा है, काफी फ्लैगशिप डिवाइस बोला जा सकता है Xiaomi की तरफ से। तो इसलिए हमने भी सोचा दिल से दिल कर दें, हाथ में पकड़ने में काफी कर्व्ड सी, थोड़ी सी सॉलिड सी, प्यारी सी फील आ रही है। पूरे एक मेटालिक फ्रेम है, नीचे की साइड पे भी काफी बड़ा स्पीकर है, वेवफॉर्म से फील आ रही है, यहाँ पे भी ऊपर की साइड पे भी वेवफॉर्म बोले तो आवाज की तरंगे। हरमन कार्डन लिख भी दिया कौन सी कंपनी ने बनाया स्पीकर, और ऊपर के साइड आप सोचोगे कि ये क्या माइक्रोफोन का इतना बड़ा नहीं, इंफ्रारेड भाई, ये पड़ोसी के घर के टीवी का चैनल चेंज कर दो या बेचारे का एसी ऑफ कर दो रात में, पसीने में बेचारा। सबसे पहली चीज जो आप ऑन करके नोटिस करो, वो डिस्प्ले नहीं है, वो है वाइब्रेशन, हाथ में पकड़ो हल्की सी गुदगुदी। इसमें भी येलो ऑरेंज, हम भी येलो ऑरेंज, बैकग्राउंड में प्यारा सा ब्लू, मैचिंग होगी भाई। इसमें एक 6.7 इंच का 2K डिस्प्ले है, 2K जिन्होंने नहीं पता दिल में 2000 किलो है, मजाक के साइड में 1080p होता ना, उससे थोड़ा सा बेटर और थोड़ा सा ज्यादा शार्प, 120 हर्ट्ज मतलब तेजी से मध्यम। एक दो और मैंने छोटी छोटी चीजें टेस्ट करी, जैसे टावल रख लो हाथ में तब भी चल जाता है, बड़े धीरे भी चल सकता है, 60, 90, 120 पे चल जाएगा। अगर नॉर्मल पड़ी स्क्रीन तो 1 हर्ट्ज पे भी चलेगा, बैटरी बच जाती है, बढ़िया रहता है। डिस्प्ले देखो बहुत सारी चीजें सुना के बताता हूँ आपको, 10-bit AMOLED डिस्प्ले, LTPO 2.0, HDR 10+, 480 हर्ट्ज, टच सैम्पलिंग रेट, 1500 nits ब्राइटनेस, 4K वीडियो, 133 एस्पेक्ट रेशियो, सब कुछ। आधी चीजें मेरे को भी नहीं पता, देखो टमाटर लाल दिखे अपने पिक्चर में, यश भाई हथौड़ी मारे वो बढ़िया दिखा, और कच्ची यार है कि नहीं भाई। देखो ये भी हाँ बोल रहा, बता क्या इसमें आप वीडियो देखो ना तो भाई HDR से लिखा था, इसका मतलब आप जब वीडियो देखोगे तो रंग भर से पीछे से गाना भी बजने लगेगा, रंग भर से तो होता है। एक चीज मेरे को सही लगती है, जैसे ब्लैक बेजल है ना वो ऐसे अपनी कवर हो जाती है। और एक चीज और नोटिस करोगे, ऑल्दो ऐसे पूरा कर्व नहीं है पर हल्का सा साइड से हल्का सा कर्व है जो मतलब अच्छा दिखता पकड़ने में। इसमें ऊपर की साइड नीचे की साइड दोनों स्पीकर है, दो वूफर है, दो ट्विटर है, कोई शहनाई बजा रहा है, ट्विटर से ढोलक बजा रहा है, तो वूफ गाना चला लेते भाई। सही लग रही है, क्लैरिटी काफी है, बट सारी चीजें इज ए ओके। चलो भाई लेट्स गो, कैमरा टेस्ट करेंगे। कैमरा बम्प के ऊपर एक मेटल फिनिश दे रखा है और फिंगरप्रिंट ना बैक साइड पे आते हैं ना इस पे आते हैं, तो इस मेटल की वजह से लेंस को भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती होगी। मैं एक्चुअली एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें तीन इतने बड़े बड़े सेंसर्स लगाए गए। आवाज अच्छी है, 15, 20, 21, 30 फोटो खींच देता है एक बार में, मुझे फोटो काफी अच्छे लग रहे हैं, बाहर हरियाली भी दिख रही है, पेड़ पे भी अच्छी डिटेल है। और ये वाला वाइड एंगल कैमरा है, जो कलर्स हैं वो थोड़े ज्यादा सैचुरेटेड फील हो रहे हैं, नॉर्मल से भी खींच के देखते हैं। इसमें जैसे देख सकते हो पौधा वौधा काफी अच्छे से दिख रहा है, जो डिटेल है वो काफी अच्छी है। और एक चीज और मैंने नोटिस करी, ये वाली हमने प्राइमरी से ली है, ये वाली वाइड एंगल से ली है, इसका जो कलर्स और कॉन्ट्रास्ट का रेशियो वो एकदम ही सेम फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है सेम ही कैमरे के ऊपर लेंस चेंज कर दिया, वो काफी तगड़ी चीज है। 2x से भी खींच के देखते हैं, टेलीफोटो में भाई और ज्यादा डिटेल है, यहाँ पे पत्तियों तक बढ़िया सी दिख रही है। इसमें ना स्टेबिलाइजेशन भी ऐड कर दी, कैमरा लगा दिया भाई कार के अंदर, अब करेंगे स्टेबिलिटी टेस्ट। 4K पे OIS के साथ ही रिकॉर्ड हो रहा था, काफी स्टेबल थी फुटेज। ये ऑटो ट्रैकिंग वाला फीचर, इसमें चेहरा क्या बढ़िया ट्रैक कर रहा है। और जितने फीचर थे नाइट, 50 मेगापिक्सल शॉर्ट वीडियो, व्लॉग, अब कर रही है 8K में 24 FPS अवेलेबल है। ओहो
जस्सी भाई, हाय भाई, क्या हाल चाल। जो कलर्स हैं, जो डिटेल है, थोड़ी फोकसिंग स्लो है बट सही है भाई, अच्छा लग रहा है। हाथ वाथ भी बढ़िया दिख रहे हैं। ओहो, थम्स अप भाई, 8K में व्लॉग करेंगे। हेलो दोस्तों, दिस इज टेक बर्नर एंड यू आर वाचिंग आवर व्लॉग्स इन 8K। शायद खाली चेहरा आ रहा होगा बट लाइक व्लॉग के लिए तो करना पड़ेगा। ऑल्दो फ्रेम रेट 24 FPS है बट जो क्वालिटी है और जो स्किन टोन्स आ रहे हैं वीडियो के अंदर वो मेरे को काफी ज्यादा तगड़े लगे। सेल्फी भी ले लेते हैं। क्या चमकता चेहरा है, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया से आ रही है, थोड़ी सॉफ्ट सी प्यारी सी फोटो है। जैसे इसका कलर बैक साइड में वैसी प्यारी प्यारी सी फोटो आ रही है। अभी हवा भरी है, पानी भर के फोड़ के स्लो मोशन में लेंगे। ये हमारा ग्लास है, ये हमारा पत्थर है, स्लो मोशन। ये वाली फुटेज जैसे कि देख सकते हो, ये 1920 FPS मतलब 2000 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड हो रहा है, जो काफी बड़ी बात है इस फोन के लिए भाई। अंधेरा कायम रखने के लिए हम लेके आए नारुतो भैया को। एक्चुअली इससे देखो कैमरे से पूरा अंधेरा दिख रहा है सर, नारुतो भैया की फोटो। ओहो, काफी फास्ट है और जो डिटेल भी है वो भी काफी अच्छी से आई है यार, मतलब आंखें वाँखें बाल और बढ़िया दिख रहे हैं। और एक चीज नोटिस करो, बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लर भी है। ये वाली हमने अल्ट्रा वाइड से ली थी, इसमें भी डिटेल वीटेल अच्छी है। और ये वाली हमने 1x। सीधा सीधा बताऊं, कैमरा जो फोटोज हैं और जो वीडियोस हैं वो बहुत ही प्यारी सी लेता है बट हल्का सा मेरे को इनकंसिस्टेंट फील हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसे फोटो खींचो और डाल ली बिना फोटो देखे, आपको कभी कभी हो सकता है देखना पड़े कि लाइक हल्का सा कुछ ब्लर तो नहीं हो गया बैकग्राउंड में या फिर कलर कॉन्ट्रास्ट बराबर है कि नहीं। और यही मेरे ख्याल से थोड़ा सा एलिमेंट अगर शाओमी ने फ्लैगशिप्स में डाला होता तो काफी बढ़िया रहता बट ओवरऑल काफी ज्यादा मजा आया ट्राई करके। बट बाकी सारी चीजें स्मार्टफोन में एकदम फ्लैगशिप ग्रेड की है। प्रोसेसर में स्तर बढ़ाया जा रहा है 8th Gen 1। भाई मैं बता रहा हूँ, गेम खेल के देखते हैं डायरेक्ट, फिर पता चल जाएगा। बीजीएम हमने चला लिया भाई, दिस इज द रियल सेटिंग, अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा, सारे इफेक्ट सब कुछ फुल कर दिया है। एक्चुअली डिस्प्ले HD आ रहा है तो क्वालिटी काफी बढ़िया सी लग रही है। This is cheating. BGMI वैसे बढ़िया गेम है यार, मतलब इस पे एक दो को मार दो, जो गेम प्ले था वो काफी स्मूथ फील हो रहा था, कहीं पे भी लैग या फ्रेम ड्रॉप्स नहीं फील हो रहे, डिस्प्ले तगड़ा तो काफी मजा तो आ रहा था। बट भाई अब थोड़ी बड़ी गेम चला था, जेनिशन इंपैक्ट, जिन्होंने नहीं पता इसमें काफी ग्राफिक कंडेंसिव है। हमने ऐसे जितनी भी गेम खेली हल्का तो वार्म हो जाता है बट गेम ऐसे स्लो लो नहीं चलती। यहाँ से चलो तो इस साइड में मेन्यू आ जाता पूरा, इसमें डू नॉट डिस्टर्ब रिकॉर्ड रिकॉर्ड, इसमें भी वॉइस चेंजर लगा रखा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेक बर्नर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेक बर्नर। ये एक्चुअल होता क्या कि बचपन की यादें अगर आपको वापस लानी, इसी आवाज में आप बात भी कर सकते हो। अबाउट फोन में जाओ तो एंड्रॉइड 12 मिल जाता है, इसमें भी आप 12 बजा सकते हो अगर आपका मन करे। पीछे सनलाइट बढ़िया आ रही है, सामने एंड्रॉइड 12। होता क्या कि दिल से दिन, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कनेक्शन है, तो इसीलिए मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर पे हाथ रखा, दिल की धड़कन देखो ना पड़ा। इसमें बता भी रहा है 2 घंटे से गेम खेल रहे हैं। इसमें कुछ सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन है, ये क्लीनर लीनर है, कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आई है इसके अंदर। पर फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आप थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करोगे, मतलब एक काफी स्टैंडर्ड जो शाओमी का फॉर्मूला होता है स्मार्टफोन बनाने, ऐसा लग रहा है उसमें काफी नेक्स्ट लेवल स्पेसिफिकेशन एड कर दी गई है। जो कैमरा है, प्रोसेसर है, डिस्प्ले है, सारी चीजें एकदम टॉप ऑफ द लाइन है बट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो यूजुअली वैसे शाओमी का रहता है वैसा ही आपको फील होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को शाओमी पसंद आता है वो बढ़िया, बट आई थिंक थोड़े से ऐसे प्रीमियम टचेस, थोड़े ऐसे सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा चीजें फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में ऐड करी जानी चाहिए। इसमें MIUI 13R के साथ 3 साल का एंड्रॉइड OS अपग्रेड और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट शाओमी प्रॉमिस कर रहा है। इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस है 63,000 बेस वाले वेरिएंट के, बट ओवरऑल इस वाले प्राइस पॉइंट के लिए डेफिनेटली एक्साइटिंग स्मार्टफोन है। अगर आप खरीदने जा रहे हो तो इसको कंसिडर जरूर करना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आर यू एक्साइटेड नारुतो भाई? इतनी भी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है भाई।